देश व दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन राजस्थान और देश की राजनीति में राज्यसभा चुनावों को लेकर उठापटक और सियासी संग्राम हो रहा है। राजस्थान की राजनीति में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेताओं की जो टिप्पणियां आई उस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने क्या कहा, देखिए हमारे साथ ये खास रिपोर्ट। नाम उसी प्रकार से तोड़फोड़ गुजरात की, इस बार 17 के अंदर 14 रिजल्ट टूट गए, 14 रिजल्ट टूट गए, अभी 3 टूट गए और 4 करें टूट गए। हॉर्स ट्रेडिंग करिए कब तक राजनीति करेंगे, ये देश के बहने लग गया है। जिस रूप में सामने रहा बहुत खतरनाक खेल चल रहा देश, ऐसे वो नेस्तनाबूद करना चाहिए, ऐसे लोग झटका देना चाहिए। पब्लिक सब समझ रही है और कोई ऐसे नहीं, आने वाले वक्त में पब्लिक खुद झटका दे देगी इनको, इनको भ्रम नहीं होना चाहिए। और तीसरा चुनाव आ गया जो मोदी जी के पास से 2 महीने पहले हो जाता, 2 दिन का गैप था, क्या तुक था भाई, क्योंकि आपने खरीद फरोख्त पूरी नहीं कर पाते गुजरात में राजस्थान में, इसलिए आपने गेम प्ले किया और धजिया उड़ा दी लोकतंत्र में। आप इलेक्शन कमीशन में दबाव देते थे, बल्कि कोर्ट में दबाव दिया, मैंने उसे कंडेम किया था और आज देख लीजिए आप वापस चुनाव हो रहे हैं, वही कोरोना चल रहा, क्या तुक था आपका करने का, कोई जवाब है इनके पास में, कोई जवाब नहीं। सर, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी जी हैं, उन्होंने एससीबी में शिकायत की है इसको लेकर के कि जिस तरह का खेल चल रहा है, मतलब एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश चल रही है। आपको लगता है जांच एजेंसियों को भी इस पूरे मामले में खबरें आ रही है, केस बड़े रूप में पहुंच चुका है, खबर आती है सोशल मीडिया में आती है और जिस प्रकार की खबर आ रही थी कि ये टोटली खेल खेलेंगे मध्य प्रदेश वाले, हालांकि मध्य प्रदेश के 22 एमपी गए हैं, वाली 22 एमएलए गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है, वो लोग वहाँ घुसने वाले क्षेत्र के अंदर, लोग कहते हैं 25 करोड़ में भेजे लोग हो, इस पूछ आए वापस, 5 साल ही भेजा हमने आपको, आप आ गए जल्दी, क्यों आए भाई, और बीजेपी वाले टिकट नहीं दे पा रहे उनको, क्योंकि वहाँ के बीजेपी खुद का कैडर है, वो कहते हैं हम कहाँ जाएंगे, आज हो सकते हैं चुनाव नहीं हो रहे वहाँ पर, कैबिनेट नहीं बन पा रहा मध्य प्रदेश के अंदर, तो यही खेल यहाँ खेला जा रहा था। हमारे विधायक बहुत समझदार है, वो समझ गए और खूब उनको गालिश लोग देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहां पर 1 रुपये का सौदा नहीं होता, कोई पद का लालच नहीं ना पैसे का दौर, ये क्या रुपये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको, ये राजस्थान की धरती को होता है। इस बात का मेरे घर में इस धरती में मुख्यमंत्री हूँ, धरती के लाल ऐसे हैं जो बिना सौदे के बिना लोभ लालच के साथ देते हैं सरकार का, सरकार स्टेबल रहनी चाहिए राजस्थान के, ये सोच करके पिछली बार में मुख्यमंत्री रहा तभी 6 विधायक आए थे बीएसपी के मर्ज करके, इस बार भी 6 ने मर्ज किया, इंडिपेंडेंट साथ देना हमारा, ये कोई कम बात नहीं। चलिए सुना इसकी तारीख आज सबने करी वहाँ मीटिंग करी। सर, इसलिए टारगेट बनाया जा रहा है क्योंकि आप लगातार जो केंद्र की जो भी उनको उनकी कमियां हैं उनको निकाल रहे हैं, इसका निकालने तो हमारा फर्ज है, कमियां निकालने का हमारा फर्ज बनता है और कमियों को मोदी सरकार को चाहिए वो अच्छे शहर में लेगा, अन्यथा नहीं ले, क्योंकि हमारी पार्टी कह चुकी है कोरोना मामा के साथ सोनिया गांधी जी ने कह दिया, तो आलोचना नहीं होती है, जब हम सुझाव देते हैं तो वो उसको आलोचना मानते हैं और वापस अटैक करते हैं। हम कहते हैं विपक्ष में है, जनता हमसे उम्मीद करती है कि आप विपक्ष की भूमिका निभाओ, और जो निभाते हैं तो इनको लगता है कि हमारे खिलाफ बोलते हैं, खिलाफ नहीं बोलते हैं, सुझाव हमारे मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है। ये बात सर, ये जो जिस तरह का अभी हमने देखा चाहे कर्नाटक और मध्य प्रदेश हो, आपको नहीं लगता जनप्रतिनिधित्व जो कानून है उसमें एक संशोधन की जरूरत आम पड़ी है, इस तरह के खेल न हो या इस तरह लोकतंत्र को, पहले भी एनर्जी सेक्शन बिल भी आए अमेंड भी हुए उसके बाद भी कोई रास्ता निकाले, आप बताइए करोड़ों अरबों रुपये भेजे जा रहे हैं, आप बताइए कि क्या बताए, सुन रहे हैं कैश ट्रांसफर हो रहे हैं जयपुर के अंदर, कैसे हो सकता है, कौन भेज रहा है और बांटने के लिए एडवांस देने की बातें हो रही है, आप दीजिए 10 करोड़ एडवांस दे दीजिए, बाद में 10 और देंगे, फिर 5 और देंगे, क्या हो रहा है,
और खुले ना खुला गेम हो रहा है यहाँ, इसलिए आज महेश जोशी ने ठीक किया, रिपोर्ट दर्ज करवाइए कम से कम अंकुश लगेगा, पकड़ में आएंगे तो उनको हमको धरना पड़ेगा। गुजरात में नया ट्रेंड शुरू किया, इस्तीफा दिलवा रहे हैं मेरे से भी छोड़ दो, ये पहले भी कर रहा है गुजरात में, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र में, लोग तो मुकुट अपने की राजनीति कर रहे हैं, फास्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने बड़ा अजीब तर्क दिया, जहां उनकी सरकार है उनके साथ निर्दलीय सब उन्हीं के साथ हैं, पार्टी के इतने लोग भी उनके साथ हैं, तो फिर क्या कारण हुआ कि कैंप करना पड़ा? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना उचित नहीं लगता है, कोई इनको अंदर ही बिखराव दिखता है, उस अंदर के बिखराव को रोकने के लिए अपनी पार्टी और निर्दलियों को उन्होंने किसी होटल में कैंप कराया है और आरोप हमारे पर लगा रहे हैं। मैं सोचता हूँ जहाँ उनकी सरकार है, जहाँ उनका प्रशासन है, वो शिकायत किसको करना चाह रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि मुझे जो कुछ भी अनुभव होता है वो ये होता है कि स्वयं कांग्रेस में इतना भारी बिखराव लग रहा है कि उसको संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए आरोप हमारे भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं जो किसी सचिव नहीं। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ जहाँ सरकार चला रहे है ना, गुजरात में सरकार आपकी नहीं हो सकता है आपके मन में कोई पीड़ा हो, पर यहाँ तो आप स्वयं सरकार चला रहे हो, प्रशासन सारा आपके हाथ में है, फिर इस प्रकार का आरोप लगाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, और अगर आरोप लगाते हो तो प्रमाणित करो,